हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में। जैसे कि गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में उसको पूरा कवर कर लिया था विद द डिटेल स्ट्रक्चर। तो गाइस अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लीज उसको देखिएगा। अगर उस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी लगती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप जाकर उसको कमेंट सेक्शन में डाल देगा। लेकिन अगर हम आज इस एक और टॉपिक की बात कर लें तो उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल एनिमिलिया किंगडम के बात की। ठीक है, तो उसमें बात करेंगे कि हम एनिमिलिया किंगडम को किस किस तरीके के फाइलमों में डिवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की उनके बेसिस है, क्या उनकी ऑक्यूरेंस है, और किस तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन, क्या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस चीजों के बेसिस पे उनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आज हम इन चीजों पर उसमें बात करने वाले। तो भाई सबसे पहले समझते कि एनिमिलिया किंगडम जो है वो किस चीज की, मतलब किस न्यूट्रिशन के, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका बॉडी डिजाइन है, किस चीज के बेस पर उनको डिवाइड कर रहा है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एनिमिलिया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में किस बेसिस पे। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक। ठीक है, जो हमने बात करी कि एनिमिलिया किंगडम की हमने बात करी तो वो आपको किस तरीके के थे, आपका यूकैरियोटिक होते हैं। वो जो इसमें ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं वो सब आपके यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। किस तरीके होते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्लांट में आपके सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं, लेकिन अगर बात कर लेते हैं हम अपना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो एनिमल एनिमिलिया में आपके मोर देन वन काइंड ऑफ सेल आते हैं। दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आपके यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दूसरा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात कर लेते हैं तो वो आपका हेटरोस्कोपिक होता है, हेटरोस्ट्रोपिक होता है, और एंड कंटेन सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, उसमें हमारा सेल वॉल नहीं होती है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल। They contain cell but they do not contain cell wall. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They are further classified based on the extent, मतलब कि जो आगे ये divide करे गए अलग अलग phylum में वो किस तरीके की basis पे उनको divide करे गया है, तो वो समझते हैं कि वो किस किस type पे उनको divide करे गया है। तो एंड टाइप्स ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन फाउंड, क्योंकि जो बॉडी डिजाइन के, मतलब कि जो उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो अपियरेंस है, उसके ऊपर इनको उनके बेसिस पे इनको डिवाइड कर रखा है अलग अलग फाइलम में। ठीक है, तो सबसे पहला फाइलम हम अपने इस वीडियो में सबसे पहले आज बात करेंगे सबसे पहले फाइलम की, जो कि हमारा ऑरिफेरा। आने वाली और वीडियो में बात करेंगे एक 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 करके सभी फाइलमों को हम अपने डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड विद द डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वीडियो में बात करेंगे अपना पॉलीफेरा की। तो फाइलम पॉलीफेरा को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पॉलीफेरा मींस ऑर्गेनिज्म विद होल्स और अ पोर्स। ठीक है, सबसे पहले बात समझिएगा, हम किंगडम पढ़ने वाले हैं पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा में सबसे पहले अगर बात कर ले तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चीज को ऐसे याद रखिएगा। अगर बात करते हैं पॉलीफेरा की, तो पॉलीफेरा में हमने क्या बात करी कि इसमें हमारा पॉलीफेरा में आपका पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। पॉली मीन्स पोर, पॉलीफेरा मानी मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर में पोर्स प्रेजेंट है, तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो पॉलीफेरा मींस ऑर्गेनिज्म विद होल्स और अ पोर्स। उनकी बॉडी उनमें क्या होता है, होल्स और पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे हैव होल्स एंड पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, मतलब कि उनकी जो बॉडी होती है उस पर आपके पूरे कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो आपका होल्स और या फिर पोर्स कह सकते हैं आप, उससे कवर होती है। विच लीड्स टू अ कैनाल सिस्टम, जो कि आपका कैनाल सिस्टम से जाकर लीड करता है, जुड़ता है। ठीक है, दैट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, और वो जो आपका है वाटर सर्कुलेशन से हेल्प करता है। टू ब्रिंग इन द फूड एंड ऑक्सीजन, जो कि आपका फूड और ऑक्सीजन को लाने में उस चीज के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते हैं कि दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पोरेंजियसिस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, और स्पॉन्जेस बोलते हैं। जो इस तरीके के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कॉमनली, मतलब आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। एंड आर मेनली फाउंड इन द मैराइन हैबिटेट, और ये किस तरीके के हैबिटेट में पाए जाते हैं, इनका जो हैबिटेट है वो आप क्या लिख सकते हैं कि ये मैराइन हैबिटेट में होते हैं। क्या इनका हैबिटेट हो गया, मैराइन हैबिटेट। ठीक है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी और एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वो पॉइंट में हम बात करेंगे, दे आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर
और एस्केलेटर, ये जो आपके कवर्ड होते हैं तो आपके मतलब बाहर की तरफ से एक हार्ड कवरिंग होती है इनकी बॉडी की, जिससे ये कवर्ड होते हैं, मतलब ये काफी मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग एक मतलब प्रोटेक्टिव रख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट लेयर। तो दे आर कवर्ड विद अ वाइट विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर, जो बाहर की तरफ से अपना एक हार्ड कवरिंग से ये कवर्ड रहते हैं, या फिर इसको हम स्केलेटन भी बोल सकते हैं। अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका साइकोन, यूटिलिटा एंड स्पॉन्जिलिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई डिफरेंस पड़ता है, ये तो हमने पढ़ा पॉलीफेरा ग्रुप के बारे में, लेकिन अगर कुछ और ग्रुप के हम अभी अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे और आने वाले फाइलम होगी, ठीक है, तो उसमें अगर डिफरेंस की बात होती है तो पॉलीफेरा के मेन मेन एग्जाम्पल क्या हो गए, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो पॉलीफेरा में आप मेन मेन पॉइंट्स या कमेंट्स लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, या आपके सबसे पहली बात, सबसे पहले हम उसको डिजाइन करेंगे उसके वर्ड से लिखें, उसके वर्ड के ऊपर जो उसका कमेंट आता है सबसे पहले आता है पॉलीफेरा। तो सबसे पहली बात हमारे डिमांड में क्या क्लियर करनी है, पॉलीफेरा मीन्स दे आर पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि पोर अपनी बॉडी पर बियरिंग करते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं कि वही पोर या फिर जो होल है वो उसकी पूरी बॉडी को ऑल ओवर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर को कवर करके रखते हैं, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा आगे क्या बढ़ा के रख देंगे कि वही आपके किससे जाके लीड्स करते हैं, डायरेक्ट कैनाल सिस्टम से लीड करते हैं, एंड देन वो आपका किस चीज में हेल्प करता है, वो आपका सर्कुलेटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है, जो कि आपका आपका जो फूड और ऑक्सीजन है उसको ले जाने में या उसको कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा आप क्या बोलते हैं कि इडियाट फॉर्मली वर्ड, मतलब कि इनको आमतौर पे क्या बोलते हैं, स्पंजिस बोलते हैं, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। एंड दे आर मेनली, अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर दूसरी इनकी बात करते हैं किसकी, हैबिटेट की, तो इनका हैबिटेट क्या हो गया, मैराइन हैबिटेट हो गया, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। फिर इनकी यहां तक इनकी अपीयरेंस हो गई, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर लेगी, डायरेक्ट पोर बेयरिंग के बाद ये क्या करते हैं, पोर बेयरिंग के बाद सीधा अगर इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, इनका स्ट्रक्चर है वो एक हार्ड हार्ड लेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलेटन बोल सकते हैं, ठीक है, वो हार्ड लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं कि ओर बेयरिंग पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरा इनकी बॉडी पे जो पोर्स होते हैं वो आपके कैनाल सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं और आपका हेल्प करते हैं वाटर सर्कुलेटिंग में और आपका ऑक्सीजन को, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद डायरेक्ट आप ये पॉइंट ले लीजिए या फिर ये पॉइंट ले लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सारे इसमें कमेंट हुए, ठीक है। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया, स्पॉन्जिस, यूटिलिटा एंड साइकोन, तो ये हमारा आ गया साइकोन, एंड देन ये हमारा कुछ इस तरीके का, साइकोन जो हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन अगर हम बात कर लें यूटिलिया की, तो हमारा यूटिलिया का व्यू लाइक ये देखिए, आपको जब भी दिखेंगे तो आपको स्पंज मतलब कि जो स्पंज होता है ना उस तरीके की फॉर्म में दिखेंगे, तो ये इसलिए इनको बोलते हैं, दे आर कमेंट करो ना स्पंजेस, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो अपर कवरिंग है आप पोर पोर देखिए, आप देख रहे हैं कि आपको इसके साइकोन के ऊपर देखिए छोटे 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 पोर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि इनके ऊपर पोर या फिर होल तरीके के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब अगर आपने यूटिलिया की बात करें तो यूटिलिया का स्ट्रक्चर देखिए, और इसी के साथ जो ये सबसे डिफरेंट और अलग तरीके का स्ट्रक्चर है आपका स्पॉन्जिलिया का, इट जस्ट लुक लाइक अ ड्रैगन बॉल, जिस तरीके की आपकी ये जो शेप दिख रही है आपको, ये इसमें इस तरीके की जो दिखते हैं ना ये बॉल्स, ये थोड़ी सी आपके हार्ड तरीके की होती है जो कि आपका स्पॉन्जिलिया में होता है, ठीक है। तो गाइस ये आपका ओवरऑल व्यू था, हमने किंगडम में जो पढ़ा सबसे पहला फाइलम वो पढ़ा हमने पॉलीफेरा का, ये आपका ओवरऑल व्यू था पॉलीफेरा का। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक कमेंट कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, हम अपनी अगली वीडियो में इसका अगले फाइलम के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू।